उत्तराखंड में हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है, जिनकी गांव में कृषि भूमि पर कोई भी खेती नहीं होती और भूमि की उपज क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी कारण प्रदेश में हर साल कृषि भूमि तेजी से घट रही है, लेकिन कृषि विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए कई बार सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन आज तक प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला गया है जिससे पलायन रोका जा सके। पलायन की वजह से हर साल पर्वतीय क्षेत्रों में कई हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान हो रहा है। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड से 17 लाख से ज़्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में पलायन कर चुके हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि बंजर हो चुकी है, जिसको दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए अब जगदीशिला तीर्थाटन समिति ने जिम्मा लिया है, जो प्रदेश की उन भूमि पर जाकर खेती करेगी जहां से जमीन के मालिकों ने पलायन किया है। पूर्व कृषि मंत्री प्रसाद नैथानी ने भाजपा सरकार और मौजूदा कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कृषि मंत्री रहते हुए प्रदेश में एक सर्वे कराया गया था, जिसके अनुसार प्रदेश में 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, लेकिन तेजी से हो रहे पलायन की वजह से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। इस पर सरकार ने ना तो सर्वे कर रही है और ना सुध ले रही है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी माना कि प्रदेश में कृषि भूमि बंजर हो चुकी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैंने कहा ना कि देखिए, हम सब प्रदेश के भू कानून का अध्ययन कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी कि हम तिल जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है, और आगे इसको हमें रोकना होगा ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद ला सकें। नहीं, देखिए ये सरकार झूठ बोल रही है। हमारे जो टोटल जो आबादी है, उस आबादी का आपका जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी उपज की है, जिसमें से 2,65,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बिक चुकी है। तो आज हमारे पास कुल 7 लाख हेक्टेयर जमीन बची है कृषि उपज की। तो उस रूप में सरकार बताए कि ये 2,65,000 हेक्टेयर जमीन क्यों बिकी, क्या कारण थे। तो इसकी वजह से जो सरकार का कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो बंजर खेत हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ